और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के कानून लाने जाने के बीच केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है। केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय ने कहा है कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकार के विषय है और कानून का उल्लंघन होने पर विधि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करती है। हम सब जानते हैं कि लव जिहाद के मामले में बड़ा हंगामा हुआ और कुछ राज्य सरकार ने इसे लागू भी किया, और ऐसे मामलों की पहचान रोकथाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये केंद्र के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया है। मंगलवार को केरल कांग्रेस के 5 सांसदों ने इस बारे में सवाल किए थे, जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही कि केंद्र का कोई कानून जो है वो बनाने की उनकी योजना नहीं है।